हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्मार्ट फार्मिंग तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज फर्टिलाइजर्स एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इट्स कंपोजिशंस तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस भी जानेंगे पर सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स को हिंदी में उर्वरक कहा जाता है तो सबसे पहले फर्टिलाइजर की डेफिनेशन पे आते हैं फर्टिलाइजर्स आर एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिज़न दैट इज अप्लाइड टू सॉइल और टू प्लांट टिश्यू टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स दो होते हैं ये प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये प्लांट को तीन तरह के मेजर न्यूट्रेंट सप्लाई करते हैं जो कि है आपका एनपीके पौधों को इन तीनों न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो प्लांट्स को नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास सप्लाई करते हैं फर्टिलाइज़र सब्जी या दूसरी किसी भी फसल को अच्छा उगने में मदद करते हैं और पौधों में ईल्ड बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं फर्टिलाइज़र ज़्यादातर एक्सपेंसिव फार्मिंग जहाँ भी होती है वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ की जैसे लैंड ज़्यादा हो या लागत ज़्यादा लगती हो वहाँ हम जनरली फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और जहाँ की जैसे नई टेक्निक या हाई टेक्निक पे जहाँ फार्मिंग होती है और उस तरह की फार्मिंग हम जनरली एक्सपेंसिव फार्मिंग कहते हैं और वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पैदावार बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं आपने गांव में देखा होगा जहां भूमि ज़्यादा होती है वहां फसल उगाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट की मात्रा मैन्यूर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है मैन्यर को हिंदी में खाद भी कहा खा जाता है और मैन्यूर्स में न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो होते हैं पर कम मात्रा में होते हैं और मैन्योर्स जनरली हम यूज़ करते हैं कार्बन के लिए उनमें ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा होता है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ज़्यादा होते हैं मैन्य हमारे मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है और वो बहुत ज़रूरी है जो भी ओवरऑल हमारे सारे फर्टिलाइज़र होते हैं ना उन उनको अपटेक कराने में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है वो हमारा मेन्योर ही बढ़ाता है अब हम एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर जनरली फोर टाइप्स के फर्टिलाइजर होते हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर वन जो है वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र इसमें ये फर्टिलाइज़र जो होता है ये पौधों यानी मिट्टी में जनरली नाइट्रोजन की सप्लाई करता है नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है इसके कुछ एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे यूरिया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट कैन कैल्सियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट ये कुछ आपके यूरिया आई मीन जैसे ये सारे आप देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के नाइट्रोजन का रोल मेनली प्लांट में ग्रोथ बढ़ाना होता है जो उसकी स्टेम की ग्रोथ होती है और नाइट्रोजन जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से जो ग्रोथ वगैरह जो बढ़ानी होती है नए टिशू फॉर्म करने के लिए वो नाइट्रोजन आपका हेल्प करता है और दूसरे नंबर पर हमारा आता है फॉस्पेटिक फर्टिलाइजर्स ये सॉइल में जनरली फॉस्फोरस की कमी को दूर करते हैं और ये कमरसली जो आपका फॉस्फोटिक फर्टिलाइज़र होता है फॉस्फोरस जो न्यूट्रिएंट होता है उसका जनरली रोल प्लांट में न्यू रूट्स को डेवलप करना होता है और ये रहे कुछ एग्जांपल फॉस्पेटिक फर्टिलाइजर्स के सिंगल सुपरफॉसपेट ट्रिपल सुपरफॉसपेट डाई कैल्शियम फॉस्पेट ये मार्केट में आपको काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स के मिल जाएंगे अलग अलग नाम से और इन सभी में डिफरेंट तरह के परसेंटेज होते हैं ये अपने कंटेंट के हिसाब से और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे पोटासिक फर्टिलाइजर ये पोटासिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो ने नॉर्मली प्लांट में पोटास की कमी को दूर करते हैं पोटास भी आपका नाइट्रोजन की तरह ही एक काफ़ी वोलेटाइल न्यूट्रिएंट है इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं पोटासियम क्लोराइड पोटासियम सल्फेट पोटासियम नाइट्रेट जो आपका पोटासिक फर्टिलाइज़र होता है वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आता है जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग, अलग ब्रांड नेम से अलग अलग, अलग कंपोजिशन भी है इनकी तेरह जीरो पैंतालीस पोटासम क्लोराइड में आपका एम ओ पी वगैरह आता है जो है आपका उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपका यील्ड बढ़ाने में जो साइज़ होता है आपके फ्रूट का या किसी भी ग्रेन का उसको साइज़ को फुलाने में पोटास का काफ़ी रोल है चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फर्टिलाइज़र के टाइप की तरफ इसमें आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र ये दो तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें आपका दो या दो से अधिक तरह के न्यूट्रिएंट आते हैं इनमें दो या दो से अधिक तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट यूरिया अमोनियम फॉस्फेट इनमें जो होता है आपका मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं एक से ज़्यादा देख सकते हैं आप एग्जांपल में जैसे चौबीस चौबीस हो गया तेरह जीरो पंतालीस हो गया कोई और हो गया इनमें आपका काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट आ जाते हैं और फर्टिलाइज़र की मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़र्टिलाइज़र में किसी भी तरह की कोई ह्यूमस नहीं होती कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है आपकी सॉइल को या फिर कोई भी और तरह का कोई भी ह्यूमिक सब्सटेंस फ़र्टिलाइज़र जो होता है वो एक तरह का केमिकली सब्सटेंस होता है जो जिसमें सॉल्ट वग़ैरह होते हैं और अलग अलग न्यूट्रिएंट वो अपना सोइल को प्रोवाइड करता है और फर्टिलाइज़र जो होता है आपका वो इजीली वाटर सोल्यूबल होता है और प्लांट्स में फास्टली एब्जॉर्ब भी हो जाता है एक तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं अगर आपको फ़र्टिलाइज़र के बारे में पूछा जाए और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफ़िक होते हैं अगर आपके मिट्टी में समझ लीजिए नाइट्रोजन की कमी है तो ये नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं जैसे यूरिया हो गया आपका ये मेनली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल में से कुछ और भी फर्टिलाइजर हैं जो आपके सॉइल में नाइट्रोजन डालते हैं ये जैसे नाइट्रोजन मतलब जैसे मिट्टी के हिसाब से अगर जैसे आपके प्लांट में या आपके सॉइल में फास्फोरस की कमी है तो ये फास्फोरस प्रोवाइड करता है अगर आपके इसमें सॉइल में पोटास की कमी है तो ये आपको पोटास भी प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिएंट ये मिट्टी के हिसाब से न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र आपको केमिकल फर्टिलाइज़र में मिलेंगे जो आपको मैन्योर्स में नहीं मिलेंगे मेन्योरस में आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा पर जो ये अपने होते हैं न्यूट्रंट स्पेसिफिक इनमें आपको हाई मात्रा में एक फर्टिल एक कोई भी न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे मैन्यर्स जो होते हैं वो आपके बल्कि होते हैं बट फर्टिलाइजर जो होते हैं वो लाइट होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं और हाई परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट में होते हैं इसलिए फर्टिलाइज़र का यूज़ काफ़ी आज के दिनों में बढ़ गया है बट फर्टिलाइज़र जो आपके वो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड होते हैं जिसकी वजह से इनमें कुछ मतलब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं सॉल्ट होते हैं जो अपनी सॉइल हेल्थ को भी कई बार डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं या प्लांट में कुछ तरह के डिजीज़ या साइड इफेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं तो फर्टिलाइज़र को एक्सेस में यूज़ नहीं करना चाहिए आप इसे मतलब जिस फर्टिलाइज़र की कमी है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अपने सॉइल का आप न्यूट्रिएंट एंट सॉइल टेस्ट करा सकते हैं और साथ में पीएच टेस्ट करा सकते हैं जिसकी मदद से आपको पता लगेगा कि आपकी सॉइल में कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है और आप उसी सॉइल में न्यूट्रिएंट को डालेंगे जिससे आपके पैसों की भी बचत होगी और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान आई I मीन mean, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा अभी तक हमने केमिकल से बने फर्टिलाइजर के बारे में तो जान लिया चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर ये क्या होते हैं ये एक तरह के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स जैसे जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनका इसमें संग्रह होता है और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं बाय सप्लाइंग देम असेंशियल न्यूट्रिएंट उनमें असेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है और जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आपके एनवायरमेंटल फ्रेंडली है प्लांट्स को भी इतना कोई नुकसान नहीं पहुँचाते यानी कि ये ज़्यादातर फायदेमंद ही हैं इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं विभिन्न तरह के जो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये एक तरह का सेप्ट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जैसे इसमें आपको एन के आता है बायो एन के जिसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है और फॉस्पोटिक फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जो आपका फॉस्फोरोस की फिक्सेशन करते हैं और जैसे ये एक तरह का राइजोबियम होता है जो एक सीम्योटिक रिलेशनशिप बनाता है अपने प्लांट के साथ जड़ों के साथ जिससे अपना ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करता है फॉस्फोरस को फिक्स करता है ये फिक्स करने का मतलब है जो आपके प्लांट में जो एक तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट को मतलब सॉइल में आपका इस तरह से मतलब उनको यूज़ में लाते हैं माइक्रोनोइम जो प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाए जिससे प्लांट इनको शुगर प्रोवाइड करे जिससे इन्हें एनर्जी मिले तो एक तरह का इनका सिम्बोटिक रिलेशनशिप रहता है प्लांट के साथ जिसकी मदद से ये आपका प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और इनसे इनको प्लांट्स इनको शुगर देता है जिसकी मदद से ये जिंदा रहते हैं तो एक तरह का दोनों का रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी मतलब आजकल ट्रेंड में भी है आपका एक और आता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जो भी ये भी आपका एक माइक्रो बायोफर्टिलाइज़र में आता है और एक आता है आपका माइकोराइजा माइकोराइज़ा एक तरह का एक फंगल स्ट्रेन होता है इसमें काफ़ी आपके फंगस आते हैं आपके फंगल स्पीसीज़ आती हैं जो आपका प्लांट में ग्रोथ में हेल्प करती हैं ये ये भी एक तरह का सीम्यूटिक रिलेशनशिप रखती हैं प्लांट के साथ आप देख सकते हैं पिक्चर में एक तरफ माइकोराइज़ा जिसमें दिया गया था जिसमें माइकोराइजा फंगी थे और एक तरफ नहीं एक तरफ नहीं था तो आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस है एक तरह का नेचुरली अक्रिंग बेनिफिशियल रिलेशनशिप है दोनों के बीच का रूट से अटैच हो जाता है और एक एक्सटेंशन ऑफ रूट सिस्टम बनाता है और ये काफ़ी जल्दी एक्सपेंड करता है और ये रिटर्न में प्लांट को अपना न्यूट्रिएंट और वाट मॉइस्चर सप्लाई करता है प्लांट को और प्लांट रिटर्न में इनको इन फंगस को खिलाता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वगैरह इस तरह का इनका रिलेशनशिप चलता है जो दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और इसके आप देख सकते हैं इधर दिए हुए हैं इसके आपके बेनिफिट्स और एक ऐसे काम करता है का रूट सिस्टम की ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट की एपसेंसी को भी अच्छा करता है और वाटर को एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता को भी बढ़ाता है आपके रूट्स की तो ये आपकी माइक्रोराइजर के कुछ आपके बेनिफिट्स रहे आप इन चीज़ों का यूज़ आप अपने ऑर्चर्ड अपना फार्मिंग अपने फील्ड में ले सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा तो आज हमने इनके बारे में ये सब जाना आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए भी धन्यवाद अभी ये हमारी शुरुआत है तो वो अभी मैं भी सीख रहा हूँ आप मुझे अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं कि किस तरह से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे भी इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट फार्मिंग आप सब ही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद See you. Bye bye.